Question number 7 we are doing. Bas ab bas discussions band ho jaye. चलिए आप ही बताएंगे. ये सेम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म y log y dx. बस बस माइनस x dy इक्वल टू जीरो. हाँ जी क्या करें, वही है आपका कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. वेरिएबल सेपरेबल ही चल रहा है अभी. हाँ जी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे x dy, तो दिस विल बी y log y dx इज इक्वल टू x dy. कहाँ कल मैंने क्या करवाया था, ये इसके साथ dx है, तो पहले क्या करना है, dx वाली टर्म्स एक तरफ y वाली टर्म्स एक तरफ, क्या बनेगा, मैं इसको इधर लिख रही हूँ, दिस विल बी वन वाई लॉग वाई डी वाई. चलिए क्या आएगा अब, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, वन अपॉन वाई किसका डेरिवेटिव है, लॉग वाई का, यानी कि इसको आप क्या करोगे, लॉग वाई को टी पुट करके रिप्लेस करके क्या बनेगा, लॉग ऑफ, सीधा लिख दो कि टी से करके दिखाऊं, यहाँ के लिए आप क्या करेंगे, पुट लॉग वाई इक्वल टू टी, तो यू विल बी हैविंग वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी. तो ये वन अपॉन वाई डी वाई आपका डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, लॉग वाई डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टी, यानी कि दिस विल बी वन अपॉन टी डी टी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स डी ए. अब 1 अपॉन t किसका डेरिवेटिव है, लॉग का, यानी कि इंटेग्रल ऑफ 1 बाय t विल बी लॉग ऑफ t. दिस इज इक्वल टू सेम वे में लॉग ऑफ x प्लस c. अब t को आप रिप्लेस कर दोगे लॉग y से, तो दिस इज लॉग ऑफ लॉग y देन लॉग ऑफ x प्लस c. प्लस c हम एक ही साइड पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम दोनों तरफ प्लस c1 प्लस c2 भी करेंगे तो ओवरऑल सिंप्लीफाई होके दैट विल गिव अस अ सिंगल कांस्टेंट, तो इसीलिए सिंगल साइड पे हम लगाते हैं प्लस c. अब एक चीज और आपको मैंने बताई थी कि अगर ये दोनों टर्म्स हमारी लॉग वाली होती हैं तो c को भी हम लॉग की टर्म्स में लेके देन इनको लॉग m प्लस n लॉग n या लॉग m माइनस लॉग n की फॉर्म में जो भी इनका बन रहा होता है अकॉर्डिंग टू दैट वी गिव आर आंसर. तो यहाँ पे आप लॉग c ले लेंगे, तो दिस विल बी लॉग ऑफ y माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ c. क्या बन जाएगा ये, log of y upon x is equal to log of c. तो c is equal to या y equal to cx will be your answer. ठीक है, अंदर अंदर. हाँ जी कहाँ पे, अच्छा एक रह जाएगा फिर, दिस इज लॉग ऑफ लॉग वाई अपॉन एक्स हो जाएगा. हाँ जी कहाँ पे बेटे, यहाँ लॉग ऑफ लॉग वाई है माइनस लॉग ऑफ एक्स है. ठीक है क्लियर. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, एक्स टू द पावर 5 dy अपॉन dx. दिस इज इक्वल टू 14 माइनस y टू द पावर 5. क्या बन जाएगा, माइनस वन अपॉन वाई टू दी पावर फाइव, और इधर मैंने नेगेटिव इसके साथ रखा. नेक्स्ट स्टेप
हाँ वाई को ऊपर ले जाओगे पावर में तो दैट विल बिकम वाई टू द पावर माइनस फाइव और उधर एक्स टू द पावर फाइव है, सिंपल पावर फॉर्मूला लगा के यू विल इंटीग्रेट। हाँ जी क्लियर कर लोगे। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है इसी तरीके से है, बट उसमें साथ में आपको कंडीशन दे दी है y इक्वल टू वन व्हेन x इक्वल टू जीरो, मींस यहाँ तक जब आप निकाल लोगे तो जो आपको x और y की वैल्यूज गिवन होंगी वो वैल्यूज आप पुट करके c निकाल लोगे, c की वैल्यू यहाँ पे फिर से पुट करके यू विल गेट अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। तो वो आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, दैट विल नॉट बी अ जनरल सॉल्यूशन। सो फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। हाँ जी डी, अच्छा नाइन्थ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये बन जाएगा आपका dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। अब साइन इनवर्स का डायरेक्ट हमारे पास इंटेग्रल नहीं है तो इसको u इंटू वी बना के करेंगे, दिस विल बी साइन इनवर्स x इंटू वन, किया हुआ है ऐसा। अब क्या किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे किसको सेकंड लेंगे, साइन इनवर्स एक्स विल बी द फर्स्ट फंक्शन और द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन वन को क्या ले लोगे सेकंड फंक्शन। सो क्या आ जाएगा यहाँ से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज देन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड एक्स होगा इसका इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ये बन जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस दिस कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लो या सीधा आप कर सकते हो वन माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट करोगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं हम ले रहे अगर तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है तो हमने वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया। सो दिस इज माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ डी टी। अब यहाँ रिप्लेसमेंट कर देंगे सो माइनस यहाँ ऑलरेडी एक है, एक ये वाला डी एक्स रिप्लेस हो रहा है आपका एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स को आप माइनस हाफ ऑफ dt से जब आप रिप्लेस करोगे तो दिस विल बिकम हाफ ऑफ dt। यहाँ रह क्या गया वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t पुट किया है तो दिस विल बी वन अपॉन रूट t। ठीक है अब वन अपॉन रूट t को आप कैसे लिख लोगे, t रेज टू पावर माइनस वन बाई टू, बाकी साथ में एज इट इज चलता जाएगा आपका। अब टी रेस टू पावर माइनस हाफ का क्या होगा, इधर इंटेग्रल ऑफ डी वाई आपका वाई चलता जाएगा। क्या आएगा इसका इंटेग्रल, पावर वन ऐड कर दोगे सो दिस विल बी हाफ ऑफ टी रेस टू पावर वन बाई टू अपॉन में वन बाई टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस सी आपका आना ही आना है तो दिस विल बी योर आंसर। टी को रिप्लेस कर दोगे वन माइनस एक्स स्क्वायर से, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कर दो इरेज। हाँ जी आईलेट ILATE, आई इज फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए एलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल, जिस ऑर्डर में उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में हम फर्स्ट और सेकंड, जो पहले आ गया उसको फर्स्ट ले लेंगे जो बाद में आएगा उसको सेकंड लेंगे। इनवर्स पहले आता है तो साइन इनवर्स को हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, वन को हमने सेकेंड फंक्शन लिया। इन केस अगर आप यहाँ गलती से ले भी लेते हो वन को फर्स्ट फंक्शन लेते हो ठीक है, तो यहाँ पे वन एज इट इज जब आप वन का डेरिवेटिव लोगे ये टर्म जीरो हो जाएगी, वहां से आपको पता लग जाना चाहिए कि मैंने यहाँ गलती किया है हर एक में, बट दैट विल नॉट बी लाइक दिस, वन के केस में आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 वी आर हैविंग ई टू द पावर एक्स टेन वाई डी एक्स
plus 1 minus e to the power x secant square y dy is equal to 0. One minus e to the power x secant square y dy. X वाली टर्म्स एक तरफ और y वाली टर्म्स एक तरफ, तो e to the power x upon one minus e to the power x and this is ये equal to zero था. पहले टर्म्स जो है एक तरफ कर लो, मैंने ये ले लिया 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेकंड स्क्वायर वाई डी वाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस ई टू द पावर एक्स टेन वाई डी एक्स ऑन द राइट हैंड साइड. अब वाई और एक्स वाले जो वेरिएबल्स हैं वो अलग कर लो. यहाँ सेकंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में टेन वाई आ जाएगा और इधर माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटेग्रल ले लो. अब टेन का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर, तो टेन को टी पुट करोगे तो वन बाई टी का इंटेग्रल विल बी लॉग ऑफ टी. तो सीधा लिख दूं यहाँ पे, पता लग गया आप कैसे किया. हाँ जी नंदिनी, टेन का डेरिवेटिव है ऊपर, तो हमने क्या करना है टेन वाई को टी पुट कर लेना है, तो सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई क्या बन जाएगा हमारा डी टी, यानी कि ये रिप्लेसमेंट हो गई डी टी अपॉन वन बाई टी से. ठीक है, और इधर भी सेम वे में 1 माइनस ई टू दी पार, या तो आप इसका नेगेटिव लेके ई टू दी पार एक्स और ई टू दी पार एक्स माइनस 1 की फॉर्म में लिख लो, अदरवाइज 1 माइनस ई टू दी पार एक्स को मैं जेड पुट करूंगी तो माइनस ई टू दी पार डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा डी जेड. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस ई टू दी पार एक्स डी एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया डी जेड से, अपॉन में क्या आ गया 1 अपॉन जेड. तो सेम वे में लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड प्लस लॉग ऑफ सी. अब टी की वैल्यू टेन वाई, जेड की वैल्यू वन माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग सी. सिंप्लीफाई कर लो, लॉग हटा के यू विल गेट योर आंसर. क्लियर, एनी डाउट्स? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है जहां पे आपको x और y की वैल्यू साथ में गिवन होगी, तो इट मींस वहां आपका जनरल सॉल्यूशन से क्या बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि c की वैल्यू हमें मिल जाएगी. मान लो इसी क्वेश्चन में हमें x की कुछ वैल्यू और y की कुछ वैल्यू गिवन होती, तो वो आपने जो आपका लास्ट में आंसर आया है वहां पे x और y की वैल्यू पुट करनी है, वहां से आपको c की वैल्यू मिलेगी. c की वो वैल्यू जो आपने निकाली है वापस इसी इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. 11th क्वेश्चन देखिए, वी आर गिवन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू dy बाय dx. ये कर दो इरेज. हां जी डन. Into dy by dx is equal to 2x square plus x. Y equal to 1 है when x is equal to 0. Method same है, particular solution हमने find out करना है, variables separate करेंगे and then we will proceed. तो यहां से क्या बन जाएगा dy is equal to 2x square plus x upon x cube plus x square plus x plus 1 into dx. क्या करेंगे अब इसमें, ऊपर है हमारे पास 2x square plus x, denominator में x cube plus x square plus x plus 1, इन दो टर्म्स को हम कॉमन लेते हैं. हाँ जी, कर लोगे आगे? हाँ जी हो जाएगा आगे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के. सेम वे में आपने करना है इंटीग्रेट एंड देन जो आंसर आएगा वहां पे आपने
वाई इक्वल टू वन पुट करना है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू वापस उसे आंसर में पुट करोगे एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, ये भी सेम वे में पार्शियल फ्रैक्शन से आप करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन जो आपको गिवन है बातें नहीं अवेश। हाँ जी, किस में सी की वैल्यू वापिस, जो आपका एक्सप्रेशन आया था ना जिसमें प्लस सी लिखा था उसी में वापिस पुट करनी है, वहां पे सी की वैल्यू आपने यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी तो वो जनरल से आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, उन्होंने हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा था। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने लिख लिया एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, अगेन पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे एंड यू विल सिंप्लीफाई। ठीक है, यहाँ वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वन क्योंकि आपका फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है तो इसके लिए जो कांस्टेंट लोगे दैट विल बी ऑफ द फॉर्म बी एक्स प्लस सी। क्लियर, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लेके चलोगे, कर लोगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है तो पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स को विदाउट कॉस जो है लेके चलना है, दिस इज 13th क्वेश्चन। क्या करेंगे ये हटाने के लिए, वाई इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अगेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स अकेला रखना है, कॉस हटाना है तो क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉस इनवर्स, तो प्री मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो, सो दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, दिस इज अ कॉन्स्टेंट। अब वेरिएबल से सेपरेट करके कॉस इनवर्स ए एज इट इज आ जाएगा, डी एक्स का इंटेग्रल आपका एक्स आ जाएगा, फिर वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। अविश मेथड क्लियर है, सी की वैल्यू के बाद क्या करना है, चले आगे हो जाएगा, कंप्लीट कर लोगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें देखो चैप्टर जो आपका 7th है, चैप्टर 8th है, जो चैप्टर 9th है, अगर आपने चैप्टर 7th अच्छे से किया हुआ है, अगर इंटेग्रल्स अच्छे से आते हैं देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, तो पहले अपना जो चैप्टर 7 है वो अच्छे से प्रिपेयर करोगे आप, तभी 8 और 9 आपके हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज डी वाई बाई डी एक्स वाई टेन एक्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन, हाँ डी वाई अपॉन वाई या वन अपॉन वाई डी वाई, और इधर टेन एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, टेन का इंटेग्रल नॉट डेरिवेटिव, या तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स या लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, और वन बाय वाई का इंटेग्रल लॉग वाई। क्वेश्चन नंबर 15 अब ध्यान से देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, अब इक्वेशन ऑफ द कर्व जब हमने निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 मींस एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 लेके चलना है, एक्स आ जाएगा, हाँ जी प्लस सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, यानी कि जो है ये पॉइंट आपको गिवन है, इट मींस यू आर टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और व्हेन एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 0 आपको ये गिवन है, तो पॉइंट इस तरीके से भी गिवन हो सकता है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई डैश इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स।
ऑलरेडी डिफरेंट है हमारे पास ये, मतलब एक्स वाली टर्म्स एक तरफ है, सिर्फ डी एक्स को हमने उधर लेके जाना है, तो वाई डैश को मैंने लिख लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैंने क्या कहा था कि जहां पे आपका इस तरीके से बनता है कि ई टू द पावर एक्स के साथ सी रेशियो गिवन है, जैसे साइन का इंटेग्रल आपको पता है माइनस कॉस बनता है और कॉस का इंटेग्रल साइन बनता है, यानी कि एक लूप में आप फंस जाएंगे, तो वहां पे आपने क्या करना है, ई टू द पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन ले लोगे और साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट फंक्शन होगी, ये मेरी सेकेंड फंक्शन होगी, जबकि अगर हम आइलेट के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक शुड बी माई फर्स्ट फंक्शन और जो एक्सपोनेंशियल है दैट शुड बी माई सेकेंड फंक्शन, बट जहां पे आप जब इसका डेरिवेटिव देखते हो कि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, इस तरीके से बन रहा है, तो वहां पे आपने इनको उल्टा लेके चलना है। अब इसको बाय पार्ट्स क्या बनेगा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स है, हाँ जी, क्या बनेगा इसका इंटेग्रल, इधर तो वाई आ जाएगा, इधर बताइए, इसको मैं आई मान के चल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी पहले आई को फाइंड आउट कर रही हूँ फिलहाल, ये एज इट इज ही क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, ई टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ द सेकंड कॉस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन बन रहा है, किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकेंड लेंगे, e को फर्स्ट ले लेंगे और कॉस वाले को सेकेंड ले लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ये सेकेंड फंक्शन इंटेग्रल ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स देन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव माइनस इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन एक्स है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। यहां तक स्टेप क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी कहाँ पे बेटे, यहाँ कह रहे हो इस वाले में फर्स्ट फंक्शन, हाँ जी यहाँ भी नेगेटिव आएगा और यहाँ फिर क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, अब बताइए एक बार साइंस दोबारा चेक कर लो, e टू द पावर x साइन x का इंटेग्रल था, साइन x का इंटेग्रल इज माइनस कॉस x, तो ये बन गया e टू द पावर x एज इट इज साइन x का इंटेग्रल माइनस कॉस x, देन माइनस का साइन होता है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पे क्या बन गया ये आपका प्लस। अब नेक्स्ट वाले में माइनस e टू द पावर x कॉस x प्लस माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ फिर चेंज हो जाएगा, ये बनेगा आपका ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स जो है उसका इंटेग्रल इज प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, नाउ इट इज ओके। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये इक्वल टू आई था, आई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पे मैंने इसको फिर से आई से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि नहीं तो अगर मैं इसको फर्दर करती हूँ वो चलता जाएगा, एक लूप बन जाएगा जिसमें आप फंस जाओगे, तो हमने क्या किया e टू द पावर x sin x dx को आई लिया हुआ था, तो यहाँ पे इस वाले को मैंने फिर से आई से रिप्लेस कर दिया, अब ये आई इधर जाएगा तो आई विल बी हैविंग टू आई इक्वल टू माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x sin x, यानी कि आई यानी कि इंटेग्रल जो मैंने माना था यहाँ पे e टू द पावर x sin x, इसकी वैल्यू क्या आ गई हाफ ऑफ माइनस e टू द पावर x, तो e टू द पावर x आई कैन टेक कॉमन, सो दिस विल बी sin x माइनस cos x, अब ये e टू द पावर x बाय 2 sin x माइनस cos x आप यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल बी हैविंग दिस स्टार इंटेग्रल ऑफ डी वाई इज बाय इंटेग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स इज ई टू द पावर एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, साथ में आप लगा देंगे। अब उसने क्या कहा था, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0,
y को 0 और x को 0 लोगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी. पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c? क्या आएगी c की वैल्यू यहाँ पे? ये 0 बन गया, 0 बन गया, ये क्या बनेगा? e टू द पावर 0 बाय 2 इज 1 बाय 2, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, साइन 0 इज 0, माइनस कॉस 0 इज माइनस 1. तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी? हाँ, क्लियर है ये? अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है दैट यू विल गेट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, फाइंड द सॉल्यूशन. कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1. कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1 मीन्स x 1 लेना है, y माइनस 1 लेना है आपने. तो पहले सिंपली सॉल्व करोगे, क्या गिवन है आपको, फंक्शन क्या गिवन है? एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2. वेरिएबल्स सेपरेट करो सेम वे में, क्या बनेगा? ये तो सिंपल बन जाएगा, 1 प्लस 2 बाय x, इसका इंटेग्रल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1 का इंटेग्रल x आ जाएगा, 2 बाय x का इंटेग्रल विल बी 2 log x. ठीक है, अब इधर हमने क्या करना है, इधर के लिए हम क्या करेंगे, जब इस तरीके से हमारे पास आता है तो हम प्लस टू माइनस टू कर लेंगे नीचे, क्योंकि मेरे पास y प्लस टू है तो न्यूमिरेटर में हम क्या कर लेंगे इसको, y प्लस टू माइनस टू, राइट हैंड साइड आ जाएगी x प्लस टू लॉग x प्लस c. अब ये सिंप्लीफाई करनी है, इसमें y प्लस टू अपॉन y प्लस टू 1 बन जाएगा और माइनस टू अपॉन y प्लस टू डी वाई, ये एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू में, 1 का इंटेग्रल इज y, माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू का इंटेग्रल विल बी माइनस टू लॉग ऑफ वाई प्लस टू, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है ये आपका, और इक्वल टू ये ऐसे के साथ जाएगा. कर लोगे कंप्लीट? उसके बाद उसने पॉइंट क्या कहा था, 1 कॉमा माइनस 1, तो एक्स को 1 पुट करोगे, वाई को माइनस 1 पुट करके सी की वैल्यू जो आपका इसको सॉल्व करने पे आंसर आया था वापिस उसमें सी की वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. So up to this question number 16, you have to complete these questions yourself. Jitna aage matlab solving part reh gaya. In the evening at 8 p.m. 8:15 final. Aapko ye 8:30 na bol dena, that will be too late. Mujhe 8:15 bhi late lag raha hai. So 8:15 at in the evening 8:15 you will be having your class of maths. We will continue with this same topic. So thank you. Have a nice day now.